यह अध्याय शुरू करने से पहले एक बार आपको मैं आपके पांचवे अध्याय की याद दिलाती हूँ, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम गणित के माध्यम से चीजों को मापते हैं। जब चीजों को मापने की बात आई थी तो हमने जमीनों को मापने की कोशिश की थी, और हमने यह भी पढ़ा था कि बीजगणित के अलावा गणित में ज्यामिति का भी अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति, जो एक यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मित्रन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मित्रन का अर्थ है मापना। तो यही सब चर्चा की थी हमने पांचवें अध्याय में, तो इसी ज्यामिति के भाग को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमें कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान थी मन्नू देवी, और उनके तीन बच्चे थे, दो बेटी और एक बेटा। और उनके पास जो जमीन थी वो थी त्रिभुजाकार में। उन्होंने सोचा अब वक्त आ गया है कि जमीन को अपने तीनों बच्चों में बराबर बांटने का। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि इस जमीन को वो तीन बराबर हिस्सों में कैसे बांटे। फिर थोड़ा बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने बिना क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का एक भुजा को तीन बराबर भागों में बांट दिया, और इन भुजाओं को विभाजित करने वाले बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष बिंदु मतलब उसके वर्टेक्स से मिला दिया। क्या सोच रहे हैं आप? इस प्रकार जो उसको तीन भाग मिले, क्या वे वास्तव में क्षेत्रफल में बराबर थे? पड़ गए ना सोच में? तो इसी प्रकार के प्रश्नों और ऐसी ही अन्य संबंधित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम समतल आकृतियों के क्षेत्रफल पर दोबारा सोचें, जिन्हें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में विभिन्न आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज इत्यादि के क्षेत्रफल को ज्ञात करने वाले कुछ सूत्रों के बारे में तो पढ़ा ही था। इस अध्याय में हम इन्हीं ज्यामिति आकृतियों के क्षेत्रफल के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।